इन प्रयासों के बीच हमें कृषि सेक्टर की एक बड़ी चुनौती की भी ओर ध्यान देना है। ये चुनौती है गांव के लोगों के पास कम होती जमीन। बढ़ती हुई आबादी के साथ परिवार में जो बंटवारे हो रहे हैं उसकी वजह से किसानों की जमीन छोटी 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 से छोटी होती जा रही है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, 2 हेक्टेयर से भी कम। पहले जो देश में नीतियां थी, और हम देखें 100 में से 80 किसान उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन, यानी देश का किसान एक प्रकार से छोटा किसान है। पहले जो देश में नीतियां बनी उनमें इन छोटे किसानों को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, उन पर जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था वो रह गया। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना में सुधार हो, MSP को 1.5 गुना करने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते दर से बैंक से कर्ज मिले इसकी व्यवस्था हो, सोलर पावर से जुड़ी योजनाएं खेत तक पहुंचाने की बात हो, किसान उत्पादक संगठन हो, ये सारे प्रयास छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। आने वाले समय में ब्लॉक लेवल तक वेयर हाउस की फैसिलिटी क्रिएट करने का भी अभियान चलाया जाएगा। हर छोटे किसानों के छोटे छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम सीधी उनके खाते में जमा करा दी गई है। छोटा किसान अब हमारे लिए, हमारा मंत्र है, हमारा संकल्प है, छोटा किसान बने देश की शान, छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। आने वाले वर्षों में हमें देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और बढ़ाना होगा, नई सुविधाएं देनी होगी। आज देश के 70 से ज्यादा रेल रूटों पर किसान रेल चल रही है। किसान रेल छोटे किसानों को अपने उत्पाद का कम कीमत, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो, इस पर दूर दराज के इलाकों में वो इस आधुनिक सुविधा के साथ अपने उत्पाद पहुंचा सकता है। कमलम हो या शाही लीची, भूत जलोकिया मिर्च हो या काला चावल या हल्दी, अनेकों उत्पाद अब दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे जा रहे हैं। आज देश को खुशी होती है जब भारत की मिट्टी में पैदा हुई चीजों की सुगंध दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच रही है। भारत के खेत से निकली सब्जियां और खाद्यान्न से आज दुनिया का टेस्ट बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे आज गांवों के सामर्थ्य को बढ़ाया जा रहा है उसका एक उदाहरण है स्वामित्व योजना। हम सब जानते हैं कि गांवों में जमीन की कीमती के कितनी, जमीन की कीमत का क्या हल होता है, जमीन पर उनको बैंकों से कोई कर्ज नहीं मिलता है, खुद जमीन के मालिक होने के बावजूद भी, क्योंकि गांव में
जमीनों के कागज पर कई कई पीढ़ियों से कोई काम नहीं हुआ है, लोगों के पास इसकी व्यवस्था नहीं है। इस स्थिति को बदलने का काम आज स्वामित्व योजना कर रही है। आज गांव गांव हर एक घर की हर जमीन की ड्रोन के जरिए मैपिंग हो रही है। गांव की जमीनों के डेटा और संपत्ति के कागज ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं। इससे न सिर्फ गांवों में जमीन से जुड़े विवाद समाप्त हो रहे हैं, बल्कि गांव के लोगों को बैंक से आसानी से लोन भी मिलने की व्यवस्था निर्माण हुई है। गांव गरीब की जमीनें विवाद का नहीं, विकास का आधार बने। देश आज उस दिशा में बढ़ रहा है।